Hello students, welcome back once again. So I hope everybody is doing good. Our last lecture jo hua tha hamara application of derivative topics pe wo tha tangents and normals pe. So aaj ka lecture main aapko kuch question ke medium se is topic ko aur acche se samjhane ki koshish karunga. So jinhone last lecture nahi dekha hai wo pehle us last lecture ko dekhen tab jaake is lecture ko dekhna. अदरवाइज अगर आपने कल का लेक्चर यानी प्रीवियस लेक्चर अगर स्किप कर दिया और फिर आज के लेक्चर को आप देखोगे तो ज्यादा कुछ आपको समझ में आएगा नहीं. सो जिन स्टूडेंट्स ने कल का लेक्चर मिस किया है पहले वो कल का लेक्चर देखें फिर जाके ये आज वाला लेक्चर देखें, है ना. सो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हम कल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इस चैप्टर का कवर कर चुके थे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखा हमने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखा, और ये हमने कहाँ से रिलेशन डिड्यूस किया, ये हमने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था, वहां पे हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, है ना. इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैव अ फाइनाइट स्लोप, तो उसकी इक्वेशन कैसे दी जाती थी. वहीं से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, है ना, डिफ्रेंशिएशन की मदद से कैसे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट शो करेंगे या दिखाएंगे. इसी तरीके से नॉर्मल की इक्वेशन हमने कैसे देखी थी. तो नॉर्मल लाइन बेसिकली एक वो लाइन होती है जो कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर चले, है ना. तो क्लियरली अगर कोई लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है तो उन दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस वन होगा. तो वहां से नॉर्मल का स्लोप आ जाता है और वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दिस इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसका स्लोप क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. तो इस पे बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल्स कल किए थे और आज के लेक्चर में मैं आपको इसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स, है ना, वो डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो किस पैटर्न पे आएगा, किस तरीके से आएगा. सो बेसिकली इस टॉपिक के क्वेश्चंस हम बोर्ड एज वेल एज आप बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उस तरीके से पूछा जा सकता है. तो आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी बुक के एज वेल एज स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होती है अलग अलग, वहां पर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए इस टॉपिक से. सो उस पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. कर्व की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, एट विच जहां पर टेंजेंट्स आर पहला भाग पूछा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा भाग पूछा है पैरेलल टू वाई एक्सिस. अब ये हमेशा आप ध्यान रखना है, अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, है ना. अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर टेंजेंट है ना, जैसे मान लिया स्लोप है और ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्स, तो इसका मतलब उसकी इक्वेशन क्या होगी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो होगी, ठीक है. तो ये हमेशा ध्यान रखिए. इसी तरीके से अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो वाई इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा. अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो हमारा पहला भाग पूछा गया है, हमको बेसिकली निकालना है क्या है पॉइंट्स ऑन द कर्व. सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा पहला भाग हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. यहाँ पे डालिए कर्व की इक्वेशन में जीरो, तो जीरो का स्क्वायर अपॉन 9 इज जीरो, सो वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, है ना. सो जीरो का मतलब बेसिकली यहाँ जीरो डालेंगे हम, तो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो, तो वाई स्क्वायर अपॉन 16 ही बचेगा. सॉरी, सो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4, है ना. तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे प्लस 4 भी है और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे माइनस 4 भी है. तो इसको मैं कैसे बता सकता हूं, 0.4 एंड 0.-4, है ना. तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे है, अगर पैरेलल टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो पॉइंट्स ऑन द कर्व क्या क्या आएंगे, 0.4 एंड 0.-4. इसको 0.±4 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को एक्स भी लिख देंगे.
अब दूसरा भाग इसका क्या है, दूसरा भाग है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो उसका मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो होगा। तो वाई अगर जीरो होगा तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, तो एक्स हो जाएगा प्लस माइनस थ्री, है ना। हमेशा ऑर्डर पेयर में पहले एक्स का कंपोनेंट लिखा जाता है फिर वाई का लिखा जाता है, ये हमने सेट रिलेशन फंक्शन क्लास 11th में पढ़ा है। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, तो वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, थ्री कॉमा जीरो एंड माइनस थ्री कॉमा जीरो, जिसको मैं प्लस माइनस थ्री कॉमा जीरो भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कर्व पे पॉइंट हो जाएंगे जीरो कॉमा प्लस माइनस फोर, ये फर्स्ट वाले का आंसर। और सेकेंड, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस तो कर्व पे पॉइंट हो जाएंगे प्लस माइनस थ्री कॉमा जीरो, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन दे रखी है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन, विच इज पैरेलल टू द लाइन, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है हमें, और वो बोला है कि पैरेलल टू द लाइन टू एक्स माइनस वाई प्लस नाइन हो, तो पैरेलल टू द लाइन होगा तो दोनों के स्लोप्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पहले हम इस कर्व की इक्वेशन का स्लोप निकाल देते हैं। सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन दे रखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा टू एक्स माइनस टू, है ना, टू एक्स माइनस टू आ जाएगा। और अगर डी वाई बाई डी एक्स किसी भी पॉइंट पर, है ना, एक्स वन वाई वन पे भी निकालना होगा हमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, टू एक्स वन माइनस टू आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ वाई वन वाई का तो कोई टर्म है नहीं, तो एक्स वन वाई वन पे भी ये क्या हो जाएगा, टू एक्स वन माइनस टू। इसी तरीके से इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो टू आएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल टू, नाइन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा तो इज इक्वल टू जीरो। सो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना आया हमारे पास, टू आया। तो अगर एक्स वन वाई वन पॉइंट पे भी बात करूंगा तो भी क्या रहेगा, टू ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स वाई का कॉम्पोनेंट ही नहीं है। सो कर्व की इक्वेशन का स्लोप यह है, इस लाइन की इक्वेशन का स्लोप यह है, ये लाइन इस कर्व की इक्वेशन के पैरेलल चल रही है ना। तो पैरेलल चल रही है तो इनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ पे देखिए, मैं टू एक्स वन माइनस टू शुड बी इक्वल्स टू टू हो जाएगा। सो टू एक्स वन माइनस टू शुड बी इक्वल्स टू टू, दैट मीन्स टू एक्स वन इज इक्वल्स टू फोर हो जाएगा, तो एक्स वन का वैल्यू टू हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स वन का वैल्यू टू हो जाएगा। अब मैं एक्स वन यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि अब भाई एक्स वन इज इक्वल टू टू है, यानी वो पॉइंट है, तो इससे सेटिस्फाई करेगा ना, कर्व पे ये पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वन इज इक्वल टू टू से मुझे वाई भी पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो वाई पता करने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये डाल दीजिए टू, टू का स्क्वायर फोर माइनस टू टू जा फोर प्लस सेवन, सो वाई का वैल्यू हमारा आ जाएगा सेवन। अच्छा, इसको मैं वाई वन भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना, वाई वन की भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको सेटिस्फाई करेगा ना यार, इस कर्व पे पॉइंट होगा ये, तो वाई वन तो दो, अगर इस कर्व पे पॉइंट है तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो एक्स वन इज इक्वल टू टू, वाई वन इज इक्वल टू सेवन। ठीक है, सो हमारे पास एक्स वन आ गया, वाई वन आ गया, स्लोप आ गया दैट इज टू। तो कर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी इसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जो कि पैरेलल हो इस लाइन के। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, वाई माइनस वाई वन दैट इज मीन्स वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू स्लोप दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस टू। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि पैरेलल है इस लाइन। सो हो जाएगा ये वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर, दैट मीन्स वाई माइनस टू एक्स, और माइनस सेवन प्लस फोर इज माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला, क्योंकि ये पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे। स्लोप निकाला डीवाई बाई डी एक्स, एक्स वन वाई वन पे क्या हो जाएगा,
2x1 माइनस 2 है ना, ये क्या हो जाएगा, x1 y1 पर 2 ही आया तो 2 ही रहेगा है ना, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल है, तो हमें x1 मिल गया, x1 मिल गया तो y1 भी मिल जाएगा, क्योंकि x1 बराबर 2 इस कर्व पे पॉइंट होगा, तो y1 भी हमें पॉइंट मिल जाएगा। सेट डाल दो यहाँ पर x की वैल्यू 2, तो हमें इससे x1 y1 मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले में हमने इसको पुट कर दिया, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई। अब हमें इसका सेकेंड भाग सॉल्व करना है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन है ना, और अगर कोई कर्व की इक्वेशन गिवन है और ये लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसके लिए क्या हो जाएंगे, दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, -1 है ना। परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, अगर एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 प्रोडक्ट। सो उसके लिए भी पहले इसका स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा, सो dy बाई डी एक्स अगेन वही आएगा सेम ही 2x-2। अगर x1 y1 पॉइंट्स पे भी बात करी जाए, मान लीजिए x1 y1 पे इसकी बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, 2x1-2। बेसिकली x और y को x1 y1 से चेंज कर देना होता है ना। सो ये हो गया इसका स्लोप। अब इसी तरीके से इस लाइन का भी स्लोप निकाल लेंगे, तो ये 5 dy/dx - 15 = 0। सो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा सब है ना, इसका dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। तो इस और एट द पॉइंट x1 y1 पॉइंट पे भी क्या रहेगा, ये 3 रहेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ना। सो अब देखिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है टू द लाइन तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, पैरेलल के केस में बराबर होते थे और परपेंडिकुलर के केस में इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट मतलब 2x1-2 × 3 शुड बी इक्वल्स टू -1, क्योंकि परपेंडिकुलर केस चल रहा है। सो 2x1 × 3 = 6x1 − 2 × 3 = 6 = −1 है ना। सो यहां से हमारा आगे हम कैलकुलेशन कर देंगे, सो 6x1 = −1 + 6 = 5, सो x1 का वैल्यू आ जाएगा 5/6। ठीक है, x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/6। वापस से चेक कर लेते हैं, इसका स्लोप निकाला, इस लाइन का स्लोप निकाला है ना, 3 आएगा देख लीजिए आप, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है अगर परपेंडिकुलर का केस है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराया और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए है ना। सो 2x1 − 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6x1 है ना, 3 × 2 = 6x1 − 6 = −1, तो यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी 5/6, और क्योंकि ये वाला पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन पर लाई करेगा तो यहां से आप y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो y1 की वैल्यू हो जाएगी x1 का स्क्वायर, दैट इज 25/36, कर्व की इक्वेशन में पुट कर दीजिए, −2 × 5 = 10, 10/6 + 7 है ना, तो y की कैलकुलेशन कर दीजिए, इसका एलसीएम 36 आ जाएगा, 25 माइनस 6 की टेबल में 36, 6 टाइम्स 6 टेन जा 60 प्लस 36 7 जा, तो 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25 है ना, तो हो जाएगा 252 है ना, इसकी कैलकुलेशन कर देंगे हम। सो y1 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, हाँ 25 + 252 = 277 − 60 = 217 / 36। ठीक है, x1 का वैल्यू आया 5/6, y1 का वैल्यू आया 217 / 36। ठीक है, सो अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है इसके लिए, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, यू विल गेट दी आंसर, तो मैं अब आगे ऊपर सॉल्व कर देता हूं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसके लिए बात कर रहे हैं अब हम, सो y − y1 दैट मीन्स y − 217 / 36 = स्लोप dy/dx क्या आया था, 3 आया था, तो 3 × x − x1, तो x − 5/6। ठीक है,
इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स। सो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 × x = 3x माइनस 3 × 5 = 15 / 6, ठीक है। सो y माइनस 217/36 इज इक्वल टू 3x - 15/6, ठीक है। सो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अंदर लेके आ जाते हैं। सो आगे अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस 3x इज इक्वल टू 217/36 माइनस 15/6। इसका एलसीएम 36 ले लेंगे तो ऊपर 217 आ जाएगा माइनस 36 की टेबल में 6 टाइम्स आएगा, 15 6 जा 90 हो जाएगा। सो 217 माइनस 90 इज 127/36, ठीक है। सो y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 127/36। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। सो 36y माइनस 36 3 जा कितना हो जाता है, 108 हो जाता है, ठीक है। 108x इज इक्वल्स टू 127, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर के केस में, जो कि लाइन की गिवन इक्वेशन के परपेंडिकुलर हो, है ना। तो इस तरीके से हम ऐसे केसेस सॉल्व करेंगे। अगर कोई कर्व की इक्वेशन है और बोला है कि ये पैरेलल टू द लाइन चल रहा है तो दोनों के स्लोप्स इक्वल कर दीजिएगा, और अगर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दीजिएगा, है ना। इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू y स्क्वायर, प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू k कट्स एट right angle if 8k² = 1, है ना। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि प्रूफ करिए कि जो कर्व्स हैं, ये दो कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक दूसरे को राइट एंगल ट्राइंगल पे काट रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री होगा, तो मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। तो इस तरीके से आपको अपने आप से सवाल करना है ना, सवाल में ही आपका आधा आंसर छुपा होता है। यहाँ पे आपको या तो पैरेलल चलेगा या फिर 90 डिग्री पे चलेगा। स्लोप्स की जब भी बात होगी, टेंजेंट एंड नॉर्मल की जब भी बात होगी, तो आप ये समझ जाइए कि इस पे सवाल बनेगा पैरेलल या परपेंडिकुलर के सिनेरियो को देखते हुए, है ना। तो हमें यहाँ पे दो कर्व्स की इक्वेशन दे रखी है, एक दूसरे को राइट एंगल ट्राइंगल पे काट रहे हैं, अगर 8k² = 1 ऐसा दे रखा है तो राइट एंगल ट्राइंगल पे काट रहे होंगे, तो उसका मतलब हमें ये तो पता है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। सो ठीक है भाई, इनका स्लोप्स निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का dy बाई dx निकालते हैं, तो d बाई dx ऑफ x शुड बी इक्वल टू d बाई dx ऑफ y स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, लेकिन सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इनटू dy बाई dx। सो आर dy बाई dx विल बी 1/2y, है ना। और अगर हम इसको इसकी बात किसी भी पॉइंट x1 y1 पे करें तो क्या आ जाएगा, 1/2y1 लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से इस कर्व का स्लोप आया हमारा 1/2y, है ना, x1 y1 पे 1/2y1। अब हम निकालेंगे xy इज इक्वल टू k का स्लोप। सो xy इज इक्वल टू k, दैट मीन्स d by dx of xy should be equals to d by dx of k, है ना। तो k तो कांस्टेंट है भाई, k का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और xy का डेरिवेटिव हम प्रोडक्ट रूल से कर देंगे। तो पहले x बाहर dy by dx, फिर y बाहर d by dx of x is 1, है ना, और k का डिफरेंशिएशन 0। सो यहां से हमारा dy by dx आ गया -y by x, करेक्ट। हमारा dy by dx हमारा यहां से आया -y/x,
सो किसी भी पॉइंट एक्स वन वाई वन पर इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, एक्स और वाई को एक्स वन वाई वन से रिप्लेस करना है बस, है ना। तो इसका स्लोप आया वन अपॉन टू वाई वन, इसका स्लोप आया माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन। अगर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, है ना, राइट एंगल पे काटेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस वन। सो वन अपॉन टू वाई वन इंटू माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन शुड बी इक्वल्स टू माइनस वन, है ना, ऐसा होगा भाई, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे हैं, मतलब 90 पे काट रहे हैं। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ वाई वन से वाई वन कैंसिल हो गया है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, ठीक है। सो यहां से मैं बोल सकता हूँ एक्स वन इज इक्वल्स टू हाफ आ गया है, ठीक है। एक्स वन का वैल्यू क्या आ गया है, हाफ, और एक्स वन क्या है, इस कर्व पे पॉइंट है ना, तो एक्स वन का वैल्यू हाफ है, तो यहाँ पे डाल देंगे हम एक्स वन का वैल्यू हाफ, तो हमें वाई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो एक्स एक्स वन इज हाफ, सो वाई वन निकालने के लिए, अब क्योंकि एक्स वन और वाई वन क्या होंगे, इन कर्व पे पॉइंट्स ही होंगे, सो बेसिकली एक्स वन है ना, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, तो मैं लिख सकता हूँ ना एक्स वन इस पे पॉइंट होगा, तो एक्स की जगह हाफ लिख देता हूँ। सो हाफ इंटू वाई, इस कर्व की इक्वेशन में हाफ इंटू वाई इज इक्वल्स टू के, वाई वन लिख देता हूँ ना, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, तो एक्स वन वाई वन इज इक्वल्स टू के, क्योंकि एक्स वन वाई वन उस कर्व की इक्वेशन पे पॉइंट, कर्व पे पॉइंट होंगे। सो वाई वन का वैल्यू मेरे पास यहां से आ जाएगा 2k, है ना। यहाँ देखिए मैंने एक्स की जगह हाफ, एक्स की जगह एक्स वन का वैल्यू हाफ, वाई को लिख दिया वाई वन इज इक्वल्स टू के, तो वाई वन का वैल्यू हो गया मेरे पास 2k, है ना। अब ये एक्स वन और ये वाई वन दोनों इस कर्व पे पॉइंट ही होंगे, इस वाले पे, है ना। तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर में अब मैं देखता हूँ क्या होगा। सो एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई वन का स्क्वायर। सो एक्स वन इज हाफ इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2k का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा वन इज इक्वल्स टू 8k स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, यही तो बोला उसने, 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन आएगा, तो वो एक दूसरे को राइट एंगल ट्राइंगल पे काटेंगे। हाँ भाई बिल्कुल काटेंगे, इन दोनों ने एक दूसरे को राइट एंगल ट्राइंगल यानी 90 डिग्री पे काटा, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन हुआ, इसलिए 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास आया, हेंस प्रूव्ड, है ना। सो वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, दो कर्व की इक्वेशन दे रखी थी, आपको साबित करना था कि अगर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो 8k स्क्वायर का वैल्यू वन आएगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों के स्लोप्स निकाले, दोनों के स्लोप्स निकालने के बाद स्लोप निकालते हैं, बेसिकली एक्स वन वाई वन मतलब कर्व पे किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करना चाहें, है ना, तो एक्स वन वाई वन पे इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, एक्स वन वाई वन पे डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड वाले कर्व का ये हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट किया मैंने, दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन होना चाहिए, वहां से मुझे एक्स वन का वैल्यू मिल गया, एक्स वन का वैल्यू मिल गया, तो किसी भी इक्वेशन से मैं वाई वन का वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैंने इस वाले इस्तेमाल किया इसको इक्वेशन को, ताकि फिर आगे फर्दर में इसमें पुट करके के का एक्सप्रेशन निकाल सकूं। तो एक्स वन इज इक्वल्स टू हाफ आया, मैंने यहाँ हाफ डाला तो मुझे वाई का स्टेटस पता चल गया, वाई वन टू के आया, एक्स वन हाफ है यहाँ डाल दिया हाफ, वाई वन टू के है, टू के मतलब 4k स्क्वायर, तो उससे हमारा ये एक्सप्रेशन वन इज इक्वल्स टू 8k स्क्वायर आया, है ना, और यही हमसे पूछा गया था। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बार जेई मेन में पूछा गया है, ठीक है। सो इट इज अ गुड क्वेश्चन। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x-2 विच इज पैरेलल टू द लाइन, है ना। आप तो बस ये पढ़ो, बस पैरेलल आ गया मतलब दोनों के स्लोप्स निकालो और समान कर दो, इक्वल कर दो, है ना, क्योंकि पैरेलल की बात हो रही है। सो कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x-2, तो इसका dy by dx निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट होता है, लेकिन फिर f डैश x का भी डिफरेंशिएशन यानी 3x-2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3। सो इस तरीके से ये हो गया 3 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3x-2, है ना।
सो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अगर एक्स वन वाई वन पॉइंट पे बात करें तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x1-2। ठीक है, तो इसका स्लोप आ गया ये। ठीक है, अब इस लाइन का भी स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। सो इसका हो जाएगा 4x का डिफरेंशिएशन 4 माइनस 2y का डिफरेंशिएशन 2y डी वाई बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स 5 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स 4 इज इक्वल्स टू 2 डी वाई बाई डी एक्स दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं x1 y1 पे बात करूं तो भी 2 ही आएगा क्योंकि x और y का तो कोई कॉम्पोनेंट है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो इस कर्व का स्लोप आ गया ये, इस लाइन का स्लोप आ गया ये, पैरेलल चल रहा है तो दोनों के स्लोप्स क्या होंगे, दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। तो दोनों के स्लोप इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 अंडर रूट ऑफ 3x1-2 शुड बी इक्वल्स टू 2, है ना। यहां पर अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x1-2, है ना। स्क्वायर रूट का क्या इलाज होता है, स्क्वायर रूट का इलाज होता है स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो 9 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 3x1-2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 48x1-32। सॉरी, तो 9 इज इक्वल्स टू 48x1-32। तो यहां से 41 इज इक्वल्स टू 48x1, सो x1 इज इक्वल्स टू 41/48 ये वैल्यू। तो x1 का वैल्यू आ गया 41/48। y1 निकालने के लिए ये कर्व की इक्वेशन है उस पे सेटिस्फाई करेगा x1 y1। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं y1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3x1-2, है ना। सो y1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3x1 दैट इज 3/41/48। तो 3/41/48 इज 123/48 -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 48 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 96 आ जाएगा। 123 में से 96 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27। सो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 27/48। इसको हम सॉल्व करके काट के 9 और 16 लिख सकते हैं, है ना। तो ये कटेगा ना 3 की टेबल में 9 बार, 3 की टेबल में 16 बार। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9/16 क्या हो जाएगा, 3/4। So, y1 का वैल्यू आ गया मेरे पास 3/4। देख लीजिए आप y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/4। हमेशा जब भी कोई एक वैल्यू मिल जाए ना तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए कर्व की इक्वेशन में वैल्यू डालेगा, है ना। तो x1 इज इक्वल टू 41/48, y1 इज इक्वल टू 3/4। हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y-y1 दैट मीन्स y-3/4 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या आया भाई, स्लोप स्लोप ये रहा स्लोप, है ना, 2 है। तो y-3/4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x-41/48। ठीक है ना, तो आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पर चलो यहां से कर देते हैं, 4y-3/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 48x-41/48। 2 से 48 कैंसिल हो जाएगा तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 24 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। तो आसान है प्रोसीजर, देखो ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। क्वेश्चन जैसे ज्यादातर इस पे पैरेलल और परपेंडिकुलर पे ही बनेंगे, है ना, 90%, है ना। या तो पैरेलल केस होगा या परपेंडिकुलर का केस होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की भी बात करेंगे। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, मैं इक्वेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है हमें एट द पॉइंट्स am² एंड am³, है ना।
एट द पॉइंट्स, यहाँ पे हमें पॉइंट्स गिवन है, एट द पॉइंट्स ए एम स्क्वायर एंड ए एम क्यूब, है ना, कर्व पे पॉइंट गिवन है हमें, यहाँ पर कर्व की इक्वेशन गिवन है फॉर द कर्व की इक्वेशन है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। सो बेसिकली कर्व की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट्स गिवन है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपसे पूछा गया है। सो सबसे पहला काम तो क्या है, डिफरेंशिएट करना, डीवाई बाई डी एक्स निकालना। सो ए वाई स्क्वायर आपको इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। तो सबसे पहले तो मैं इन पॉइंट्स पे इनका स्टेटस चेक कर लेता हूँ, है ना, यानी एक्स वन वाई वन मुझे मिल जाएगा इस पॉइंट, इन पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखिए ए वाई स्क्वायर, वाई क्या है, ये है, तो वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम सिक्स, है ना, ऐसा हो जाएगा। और एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, मतलब इसका क्यूब हो जाएगा ए क्यूब एम सिक्स, है ना, मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, देखो a cube m6 बिल्कुल सही बात है ना। तो ये तो हमने हो गया चेक करने का प्रोसीजर, है ना, कर्व पे ये पॉइंट है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो हमें गिवन है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, है ना। सो ए इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, यू कैन टेक ए आउट, है ना, सो ए को हम बाहर कर देंगे, d by dx of y square should be equals to d by dx of x cube, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a into 2 by dy by dx, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x square, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे dy by dx आ गया हमारे पास 3x square upon 2ay, ठीक है। सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dy by dx is equals to 3 upon 2a into x square upon y, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और at the points x1 y1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स ऑलरेडी हमें गिवन है। x1 का रोल कौन प्ले कर रहा है, am square, एक और y1 का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए एम क्यूब। तो यहाँ पे वो पॉइंट्स जो हम लेते हैं ना x1 y1 वो ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है। सो ये तो हो गया dy by dx, लेकिन है ना, लेकिन यहाँ पर किसके, ये तो होता है dy by dx तो होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, लेकिन हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, है ना, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा -1 अपॉन 3 बाई 2a इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रिवर्स करके, है ना, सो ये हो जाएगा -2a बाई 3 इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल dy बाई dx, यहाँ पे dy by dx मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल हुआ, ठीक है, मतलब हमने ये किसकी कैलकुलेशन करी, -1 अपॉन dy by dx की कैलकुलेशन करी है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और पॉइंट्स दे रखे हमें ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, ठीक है, यानी x का पॉइंट है ए एम स्क्वायर, y का पॉइंट है ए एम क्यूब, तो अब हम यहाँ पे डालेंगे, तो देखिए -2a by 3 into y की जगह में डालूंगा ए एम क्यूब, और x की जगह डालूंगा मैं ए एम स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम फोर, देखिए ध्यान से, है ना, थोड़ा अच्छा सवाल है ये, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले dy by dx निकालना है, लेकिन क्योंकि बात नॉर्मल की चल रही है तो नॉर्मल का dy by dx कैसे निकालते हैं, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1 अपॉन dy by dx, है ना, so -1 upon dy by dx is slope of normal, हमने ये निकाला। अब यहाँ y और x जो हम x1 y1 लेते हैं वो हमें ये दे रखा है, x1 का रोल am square प्ले कर रहा है, y1 का रोल am cube प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर डालेंगे हम ये, है ना, तो यहाँ पर डालने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखा, है ना, तो ये a से a square का एक पावर कैंसिल होगा, m cube से m4 कैंसिल होगा, ठीक है, तो नीचे am बच जाएगा, है ना। अच्छा,
और ये भी तो है ए, ये ए भी ए, ए से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा माइनस टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय, सब कैंसिल हो गया, सिर्फ नीचे वन अपॉन एम बचा, तो ये हो गया माइनस टू बाई थ्री एम, है ना। तो ये कैलकुलेशन हो गई माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल की, है ना, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे देते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, है ना। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसमें सब पुट कर दीजिए। ठीक है, सो y माइनस वाई वन और एक्स वन वाई वन गिवन ही है ना। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब हमारी क्या आ जाएगी, फाइनली y माइनस वाई वन दैट मीन्स y माइनस ए एम क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स की कैलकुलेशन क्या आई थी, माइनस टू अपॉन थ्री एम, तो माइनस टू अपॉन थ्री एम मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स वन दैट मीन्स एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। इसको और फर्दर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है ना। ये y माइनस वाई वन, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये x माइनस एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल्स टू, नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच इज पैरेलल टू द लाइन, है ना। देखिए पैटर्न सबका है, सेम ही है, चाहे टेंजेंट का इक्वेशन पूछे या नॉर्मल का इक्वेशन पूछे, वहां पर आपको दो इक्वेशन दी होगी, एक तो कर्व की और एक दूसरी लाइन की, वो बोलेंगे या तो पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट के केस में याद रखना डीवाई बाई डी एक्स उसका स्लोप निकलता है, नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलता है, माइनस वन अपॉन डीवाई बाई डी एक्स, है ना। तो ये फर्स्ट चेंज होता है, तो विच इज पैरेलल टू द लाइन, टू द लाइन एक्स प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो सिर्फ नॉर्मल के स्लोप में हमें थोड़ी सी बदली करनी होगी, बाकी सब सेम ही चलेगा। पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वली होने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स, है ना, सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। सो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसका स्लोप हो जाएगा, इस वाले कर्व का स्लोप हो जाएगा ये, ठीक है। x1 y1 पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, एट द पॉइंट्स x1 y1 क्या हो जाएगा, ये x1 y1 पॉइंट पे हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से इस कर्व का स्लोप हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 प्लस 14 dy by dx इज इक्वल्स टू 0, है ना। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 14y का डिफरेंशिएशन 14 dy by dx होगा, 4 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। सो यहां से dy by dx, यहां से dy by dx जो हो जाएगा वो माइनस वन अपॉन 14 हो जाएगा, ठीक है। यहां से dy by dx क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन 14। सो x1 y1 पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, x1 y1 पॉइंट पे भी क्या रहेगा, माइनस वन अपॉन 14 ही रहेगा, क्योंकि देयर इज नो टर्म्स ऑफ x एंड y, सो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये इस पे फिर यही रहेगा, है ना। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इन दोनों के स्लोप्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। सो 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 14 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, कर्व की इक्वेशन गिवन है, विच इज पैरेलल टू द लाइन, है ना। तो इस लाइन के वो पैरेलल हो, है ना, पैरेलल, तो पैरेलल होंगे तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे। तो सबसे पहले तो इस कर्व का हम निकाल लेते हैं स्लोप,
तो इस कर्व का स्लोप हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x² + 2 आ जाएगा ना, कर्व की इक्वेशन का डी वाई बाई डी एक्स तो ये आ जाएगा। अब लाइन को पकड़ते हैं ना, ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है और हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी, तो लाइन का निकालते हैं। तो लाइन के लिए क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस 14 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना, 4 का डिफरेंशिएशन 0। सो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1/14, है ना। सो यहां से अब लेकिन एक है ना, अब आपको एक छोटी सी चीज समझनी है यहाँ पे। तो ये डीवाई बाई डी एक्स हो गया -1/14, लेकिन अब ये बराबर ये करने से पहले ना करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, नॉर्मल की बात हो रही है ना, तो नॉर्मल की बात हो रही है, तो नॉर्मल का स्लोप -1/14 है, तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा इस लाइन के लिए। सो -1/dy/dx करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम इसके लाइन के नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे ना, तभी तो इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ नॉर्मल की बात हो रही है। अगर यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता और पैरेलल होता तो सीधे बराबर हो जाते ही है ना। वापस सुनिए ध्यान से, अगर यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता और यहाँ पैरेलल होता दो, है ना, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर हो जाता है, लेकिन हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये इसके पैरेलल है, तो हमें जो ये जो स्लोप मिलेगा ना डीवाई बाई डी एक्स, तो हमें उसको तुरंत -1/dy/dx करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नॉर्मल की बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। सो डीवाई बाई डी एक्स तो हमारा इसके लिए -1/14 निकला, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ से -1/-1/14, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द लाइन, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, है ना, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्या फर्क आया, जब वहां पे टेंजेंट दिखा होता है तो सीधा कंपैरिजन है ना, सीधे दोनों के डीवाई बाई डी एक्स सेम, लेकिन जब नॉर्मल का निकालना होगा तो इसका डीवाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू -1/dy/dx, ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका 14 हो गया। तो अब इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि पैरेलल का केस है, ठीक है, पैरेलल का केस है, दैट मीन 3, अच्छा, एट द पॉइंट x1 y1 क्या हो जाएगा, ये 3x1² + 2 हो जाएगा, ठीक है। सो 3x1² + 2 शुड बी इक्वल्स टू 14 हो जाएगा, सो 3x1² इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, तो x1² यहां से 4, तो x1 का वैल्यू ±2, x1 का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, ±2 आ गया, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आया है मेरे पास, 14 आया है ना, क्योंकि देखो आपको आगे भी तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में स्लोप ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ऐसे ही निकलेगा, डीवाई बाई डी एक्स आपको पता है तो -1/dy/dx है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बस इतना ही चेंज होगा। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता ये सवाल तो डायरेक्ट कंपेरिजन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है तो जो दूसरी वाली लाइन का जो स्लोप निकालोगे आप तो -1/dy/dx से निकालोगे, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्क नॉर्मल और टेंजेंट में। सो x1 की वैल्यू ±2 आई, तो y1 की भी दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि x1 की दो आई। सो अगर x1 की वैल्यू 2 है तो y1 की वैल्यू क्या होगी, x1 y1 इस कर्व पे पॉइंट होंगे, तो यहाँ डाल दीजिए 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाता है 8, 2 जा हो जाता है 4 + 6, है ना, ऐसे ही होगा, 2 का क्यूब 8, 2 × 4 और 6, तो 8 + 4 = 12 + 6 = 18, तो y1 का वैल्यू आ गया 18। वेन x1 इज इक्वल्स टू 2, y1 इज इक्वल्स टू 18, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी भाई, दो नॉर्मल की इक्वेशन आएंगी हमारे पास इस बार, क्यों, क्योंकि एक बार तो 2 और 18 के लिए और -2 के लिए भी अलग आएगी। सो पहले इसके लिए निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y - y1, दैट मीन्स y - 18 इज इक्वल्स टू स्लोप -1/dy/dx, क्या था -1/dy/dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द लाइन, दैट इज 14, तो y - 18 इज इक्वल्स टू 14 इंटू x - x1, दैट इज x - 2, सो y - 18 इज इक्वल्स टू 14x - 28, सो y - 14x + 10
इज इक्वल्स टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, वो तब जब पॉइंट्स क्या है 2 और 18। लेकिन इसी तरीके से एक और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी जब पॉइंट माइनस टू के लिए निकालेंगे हम, है ना। सो माइनस टू के लिए कैसे निकालेंगे? अच्छा ये बात तो समझ में आई ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना, जो जो डीवाई बाई डी एक्स इस लाइन का निकलेगा, लेकिन उसका हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस वन अपॉन डीवाई बाई डी एक्स, है ना, बस इतना सा चेंज आएगा। यहाँ टेंजेंट होता तो सीधा कंपेरिजन, ठीक है। सो एक पॉइंट तो ये आ गया, है ना, मतलब 2 और 18 के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो गई। अब माइनस दो के लिए देखते हैं, तो जब एक्स वन की वैल्यू माइनस दो होगी तो वाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डालिए यहाँ पर, माइनस दो का क्यूब माइनस आठ होता है, 2 × −2 − 4 होता है और प्लस 6 होता है ना। तो −12 + 6 हो गया −6, तो वाई वन का वैल्यू आ गया −6 जब एक्स वन का वैल्यू है −2, है ना। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y − y1 दैट इज y − −6 दैट विल y + 6 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि कितना था, 14 था, वो तो 14 ही रहेगा, इंटू x − x1 दैट इज x + 2। सो y + 6 इज इक्वल्स टू 14x + 28 दैट मीन्स y − 14x और 6 − 28 इज −22 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दो आएंगी, है ना, क्योंकि रिक्वायर्ड पॉइंट्स भी तो दो आए आपके पास। यहाँ जल्दीबाजी में x1 का स्क्वायर 4 है तो x1 = 2 नहीं, +−2। तो अगर x1 की दो वैल्यूज तो y1 की भी दो वैल्यूज, है ना। तो दो वैल्यूज यानी दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हुई, एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हुई, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। वापस मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाता तो दोनों के स्लोप सेम हो जाते, लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है तो पहले इसका स्लोप निकाला और इस लाइन का स्लोप निकाला, क्योंकि लेकिन नॉर्मल की बात हो रही है तो −1/dy/dx से इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो बाद में जाकर जब आप ये 14 निकालोगे, 14 आपको मिलेगा कैसे, पलटी करनी पड़ेगी ना, −1/dy/dx तो करना ही पड़ेगा। आप यहाँ से dy/dx निकालोगे तो कितना आएगा, 1 इसका dy/14 dy/dx इसका, तो −1/14। तो लेकिन ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, −1/dy/dx, तो कितना हो गया, 14 हो गया, तभी तो यहाँ 14 आता है, देखो, है ना। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के सवाल करेंगे पैरेलल के, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आपको याद रखनी है ना। अगर आप वो याद रखोगे तो आप जब भी ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के केसेस जब भी आएंगे तो आपको आसानी हो, है ना। तो एक रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, वो आप याद रखें। तो उस ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, हमें कर्व पे पॉइंट्स बताने हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व पे पॉइंट्स बताने हैं। कर्व की इक्वेशन दे रखी है x² + y² − 2x − 3 इज इक्वल्स टू 0, एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, है ना। आप हमेशा एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी हम एक्स को जीरो कर देते हैं, वाई एक्सिस के लिए वाई को जीरो कर देते हैं। अब आप एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो हमेशा याद रखना कि उसका स्लोप dy/dx क्या आएगा, जीरो आएगा ना। when tangents are parallel to x axis, अगर x axis के parallel है तो dy/dx यानी स्लोप ऑफ द tangent जीरो होगा, है ना। और अगर tangents are parallel to y axis then स्लोप ऑफ नॉर्मल जीरो होगा, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखें, है ना। अगर टेंजेंट्स x एक्सिस के पैरेलल हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो,
अगर टेंजेंट्स वाई एक्सिस के पैरेलल हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज जीरो, है ना। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम याद रखेंगे। हमारा क्वेश्चन एक्स एक्सिस के लिए चल रहा है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स मुझे पता है डीवाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। अच्छा, पहले हम इस कर्व की इक्वेशन का स्लोप निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगा 2x प्लस 2y dy by dx माइनस 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0, आई कैन सी 2 इज कॉमन, सो x प्लस y dy by dx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं x प्लस y dy by dx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब मैं इसको लिख सकता हूं y dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस x, सो dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन y, है ना। अब देखिए, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस है मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो dy by dx 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों सेम होंगे तो कंपेयर करेंगे हम, सो 0 शुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो ऐसा तभी संभव है जब न्यूमरेटर 0 हो, तो इसके लिए 1 माइनस एक्स को 0 होना पड़ेगा, और अगर 1 माइनस एक्स 0 हुआ तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। 1 माइनस एक्स 0 होगा तो x कब होगा, जब x का वैल्यू 1 आएगा। तो x का वैल्यू आ गया 1, अब y का वैल्यू कैसे मिलेगा, पुट कर दीजिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन कर्व की इक्वेशन में, सो x इज इक्वल टू 1, तो x का स्क्वायर विल बी 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया y स्क्वायर, 1 माइनस 5 इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास y की वैल्यू, x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई प्लस माइनस 2। तो कर्व पे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या हो जाएगा, 1 कॉमा प्लस माइनस 2, ये हो गया मेरा आंसर, रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व, ठीक है, कर्व पे रिक्वायर्ड पॉइंट्स इस तरीके से आ गए, x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई, ठीक है। हमेशा याद रखा, इफ द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस दैट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, इफ द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस देन द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0, ठीक है। उससे आपका ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये आज का लेक्चर था हमारा, आज हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 to 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और साथ साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोई भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो इस टॉपिक से आएगा तो आपको ये सब बारीकी पता होनी चाहिए, जैसे कि पैरेलल और परपेंडिकुलर के केसेस की, और नॉर्मल और टेंजेंट्स में चीजें कैसे थोड़ी सी बदलती हैं उसमें, है ना। तो आज का लेक्चर पूरा उन्हीं क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके हमने समझा, है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल समझ में आया होगा। सो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को भी खत्म किया। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इस चैप्टर का मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काफी अच्छा सवाल पूछा जाता है, सीधे 4 मार्क्स को, और जेई मेन में तो कन्फर्म एक सवाल इस टॉपिक से आता ही आता है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपको जो सवाल मिलेगा, 90% प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा से पूछा जाएगा, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाला लेक्चर हमारा होने वाला है लास्ट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा पे, तो मिस मत करिएगा ना। लेक्चर्स ध्यान से फॉलो करिए, लेक्चर्स ध्यान से देखिए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए घर पर, है ना। डाउट्स के लिए मैं हूँ ही, आप मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।